जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का द एनपी में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली बनाने में कोयला, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस और जल इत्यादि जैसी चीजों का भारी मात्रा में उपयोग होता है, परंतु यह सभी चीजें धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इसीलिए एक ऐसी ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना अति आवश्यक है, ताकि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें और किसी भी चीज की कमी भी ना हो। और इसीलिए इस समय सौर ऊर्जा पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में पूरे एशिया में तीसरे स्थान पर और पूरे दुनिया में चौथे स्थान पर है। तो मित्रों, आज हम आपको भारत के 5 सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है भाडला सोलर पार्क 2250 मेगावाट। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर पावर प्लांट है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध जिले जोधपुर के भाडला गांव में स्थित है। यह 14,000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी क्षमता 2250 मेगावाट की है। राजस्थान की वर्तमान सौर ऊर्जा खपत राज्य के कुल विद्युत उपयोग का 10% है। इसके बाद है शक्ति सतलज सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट 2050 मेगावाट। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, जो कि कर्नाटक के तुमाकुरु जिले में स्थित है। यह 13,000 एकड़ से भी अधिक भूमि पर फैला है। इसका निर्माण कर्नाटक सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KSPDCL ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC की मदद से किया है। 14,800 करोड़ की लागत से बना यह प्रोजेक्ट 2,300 किसानों को फायदा पहुंचाएगा। तीसरा है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 1000 मेगावाट। यह तीसरा सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यह 5,932 एकड़ से ज्यादा की भूमि पर फैला हुआ है। चौथा है रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट 750 मेगावाट। यह 1,590 एकड़ से भी अधिक भूमि में फैला है और मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पावर प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो के प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। पांचवा है कमोठी सोलर पावर प्लांट 648 मेगावाट। यह इस प्रकार का पांचवा सबसे बड़ा प्लांट है, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। 2016 में 4,550 करोड़ की लागत से बना यह पावर प्लांट 2500 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसकी प्रतिदिन साफ सफाई के लिए रोबोटिक सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि खुद के सोलर पैनल से चार्ज होते हैं। अब आइए बात करते हैं इंडिया के सबसे नए पावर प्रोजेक्ट पर, जो कि है इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। यह तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की होगी। इसके मई में खोले जाने की संभावना है। इसे बनाने में 423 करोड़ रुपए की लागत आई है और लगभग 4.5 लाख पैनल स्थापित किए गए हैं। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, जो इससे भी बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, जो कि 600 मेगावाट का होगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र होगा, जो कि यमपी के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित किए जा रहे इस सोलर पावर प्लांट में 3,000 करोड़ की लागत आने वाली है। इस सोलर पावर प्लांट में 2022 से 23 तक उत्पादन शुरुआत होने की उम्मीद है। यह लगभग 2000 हेक्टेयर में पानी की सतह पर बनाया जा रहा है।
बताया यह भी जा रहा है कि जल स्तर के अनुरूप यह स्वयं को ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाएगा और मजबूत लहरों और बाढ़ का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बिजली का उत्पादन जारी रहेगा। तो ये थे भारत के कुछ मुख्य सोलर पावर प्लांट जो कि स्थापित हो चुके हैं, या तो किए जा रहे हैं या तो किए जाने वाले हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा का कितना अधिक उपयोगिता बढ़ रही है, और उपयोगिता बढ़ रही है अर्थात महत्ता भी बढ़ रही है, और यह आवश्यक भी है क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाली है, अर्थात यह एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी है जिसका हम जितना अधिक से अधिक उपयोग करेंगे यह उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए और पृथ्वी के भविष्य के लिए अच्छा होगा, और इस दिशा में दुनिया भर की सरकारें प्रयासरत हैं। और जैसा कि आपने अभी तक जाना, भारत भी काफी अच्छा कर रहा है। और मित्रों, आज के समय में पूरी तरीके से जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैसें, कोयला आदि के उपयोग पर नियंत्रण तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, ये प्रयास अवश्य किया जा सकता है कि हम इन सभी चीजों का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि यह सभी साधन धरती पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अर्थात यह एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो हमें इनके विकल्प तलाशने होंगे और इनका उपयोग कम से कम किए जाने का प्रयास करना होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।